आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो इस क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि टू फाइव मोलर सोल्यूशन आर प्रपेयर बाय डिजोल्विंग ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वॉलेटाइल सल्यूट सेपरेटिंग सॉल्वेंट एक्स एंड सॉल्वेंट वाई The molecular weight of the of the solvent x are mx and m y, respectively, where mx equal to 3 by 4 of m y, the relative lowering of vapor pressure of the solution is in x is m time that of the solution in m in y. Given the that the number of mole of solute is very less. स्मॉल इन कंपेर टू दैट ऑफ सोलवेंट द वैल्यू ऑफ एम इज तो हमें यहाँ पे दो फाइव मोलर सोल्यूशन दे रखे हैं जिनको हमें प्रम्पेयर किया है बाई नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वोलेटाज वोलेटाइज सोल्यूट को एड करके इन सेपरेटली सोलवेंट एक्स और सोलवेंट वाई में और उनका मोलिकुल वेट दे रखा है हमारा सोलवेंट एक्स का हमारा एम एक्स और सोलवेंट वाई का है हमारा एम वाई और उनमें रिलेशन दे रखा है एम एक्स इक्वल टू थ्री बाई फोर ऑफ एम वाई और हमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दे रखा है जो कि है सोल्यूशन एक्स में एम टाइम ऑफ सोल्यूशन ऑफ वाई तो हमें नंबर ऑफ जो सोल्यूट है वो लेस है कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल इन तो हमें वैल्यू ऑफ एम निकाल है ठीक है तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है यहाँ पे एम एक्स जो है इक्वल टू थ्री बाई फोर ऑफ एम वाई जो मोलिकल वेट ऑफ एक्स है सोलवेंट का इज इक्वल टू थ्री बाई फोर ऑफ मोलिकुल वेट ऑफ वाई से ठीक है और इसके अलावा हमें क्या गिवन है तो इसके अलावा हमें गिवन है रिलेटिव रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ठीक है ये भी हमें गिवन है इसका रिलेशन है हमारा क्या है हमारा डेल्टा पी अपॉन पी फॉर एक्स इज इक्वल टू एम टाइम ऑफ डेल्टा पी अपॉन पी प्रेशर ऑफ वाई तो यह हमारा लोअरिंग रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो एक्स का है इज इक्वल टू एम टाइम ऑफ रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर ऑफ वाई से ठीक है तो जो हमारा ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर है वो हमारा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के ठीक है तो हमें यहाँ पे सल्यूट का मोल फ्लेक्शन निकालना पड़ेगा तो यहां पे हमें क्या दे रखा है फाइव मोलल सोल्यूशन ठीक है फाइव क्या दे रखा है फाइव मोलर ना फाइव मोलर सोल्यूशन दे रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ तो हमारे फाइव मोल ऑफ फाइव मोल ऑफ सल्यूट इन थाउजेंड ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में ठीक है तो हमने यहाँ पे पाँच ग्रा, ग्राम मोल ऑफ सॉल्वेंट डाल डाले हैं इन थाउजेंड ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे हम निकालेंगे यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्वेंट मोल ऑफ सॉल्वेंट हमारे कितने होंगे तो हमारे पास कितना वेट वेट कितना दे रखा है सॉल्वेंट का थाउजेंड और हमारा जो इसको मोल निकालने के लिए इसकी डिवाइड करेंगे इसके मोलिकुलर वेट से तो यहाँ पे आ गया एम ठीक है अब ये तो हमारा हो गया मोल ऑफ सॉल्वेंट ठीक है तो अब मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट क्या होगी मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट क्या होगी यहाँ पे हमारा मॉल ऑफ सॉल्वेंट मोल ऑफ सेल्यूट आएगा वो कितने हैं हमारे पास फाइव है और नीचे भी आया टोटल नंबर ऑफ मोल आएंगे यहाँ पे फाइव प्लस मोल ऑफ सोलवेंट ठीक है और हमें पहले बोला गया है कि यहाँ पे जो मोल ऑफ सोल्यूट है वो काफी लेस है कंपेयर टू मोल ऑफ सोलवेंट से तो जो नीचे हमारा आएगा वहां पे पर आएगा ये फाइव हम जो है इसको निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये बहुत कंपेयर टू लेस है तो सिर्फ यहाँ पे मोल ऑफ सोलवेंट बचेंगे जो हमारा कितना है हंड्रेड थाउजेंड बाय यहाँ पे एम ठीक है अब इसको अगर हम रीअरेंज करें तो यहाँ क्या आएगा फाइव मल्टीप्लाई बाय एम अपॉन थाउजेंड ठीक है तो ये हमारे सल्यूट के हमारे मोल फ्रैक्शन आ गई तो अगर हम इसको हम यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर में पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा तो हमें दे रखा था जो एक्स का हमारा क्या आएगा इसका न, एक्स वाले के हमारे मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या आएगा फाइव बाय था मल्टीप्लाई लिए आ गया अब वाई के लिए हमें इसका रिलेशन क्या था एम टाइम इक्वल टू रिलेटिव रोइंग प्रेशर ऑफ वाई तो यहाँ क्या आएगा फाइव पॉन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय एम वाई ठीक है तो यहाँ पे फाइव बाय थाउजेंड यहाँ दोनों साइड से कट गए और हमारे पास जहाँ पे एक रिलेशन था एम एक्स इक्वल टू थ्री बाय फोर ऑफ एम वाई तो यहाँ पे हम ये पुट करेंगे तो हमारा यहाँ क्या आएगा एम एक्स क्या है हमारे पास थ्री बाय फोर टाइम ऑफ एम वाई ठीक है तो यहाँ पे एम एम बचा और यहाँ पे एम वाई और एम वाई एम पे कट जाएगा तो हमारे पास एम कितना आएगा यहाँ पे थ्री बाय फोर तो हमें निकालना था एम की वैल्यू जो एम की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थ्री बाय फोर